शहर की तरह गांव में भी अब डोर टू डोर कचरा उठाव का काम शुरू हो गया है। बांका के 182 पंचायतों में से पहले चरण में 58 पंचायतों का चयन किया गया है। इनमें से 22 पंचायतों में काम पूरा हो गया है, शेष पंचायतों में काम चल रहा है। दूसरे चरण में 60 पंचायतों को 15-15 लाख रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है। यहाँ पर ठोस और सूखा और गीला कचरा संग्रह किया जाता है। गीले कचरे से तो यहाँ पर खाद बन जाता है, लेकिन सूखे कचरे को अलग कर स्टोर किया जाता है। इसमें से जो प्लास्टिक निकल के आता है उसका अब ब्लॉक स्तर पर एक प्लास्टिक मैनेजमेंट सेंटर बनेगा, वहाँ पर इस सभी प्लास्टिक का प्रोसेसिंग किया जाएगा। इसके बाद उसे थोक में किसी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास बेच दी जाएगी या फिर कहीं और इसकी बिक्री की जाएगी। कहा जा रहा है कि इसकी कीमत 30 से 35 रुपये प्रति किलो मिल जाएगी। इससे ग्राम पंचायतों को अच्छी खासी रेवेन्यू की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। बांका सदर पंचायत प्रखंड के लकड़ी कोला में पहले चरण में काम होगा। प्लास्टिक मैनेजमेंट सेंटर पर मैनेजर से लेकर हेल्पर तक के पद पर स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अभिषेक कुमार, न्यूज 18, बांका।